इस वक्त के भिवंडी शहर से बड़ी खबर। जी हां, देर रात भिवंडी शहर के ग्रामीण इलाके परगा पुलिस की हद में वाहुरी गांव के पास पेट्रोल पंप के पास 20 गोदाम में भीषण आग लग गई। ये भीषण आग देर रात तकरीबन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में लगने की खबर मिल रही है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आग ने पूरे 20 गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन 20 गोदामों में प्लास्टिक, फाइबर और लकड़ी के प्लेट, फट्टों का गठान, शादी और दूसरे इवेंट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और भी कई सामान थे जो कि धू धू कर जलते नजर आए। आग के शोले तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी और कल्याण की दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। पानी की कमी के चलते आग बुझाने में दमकल कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी की मदद से सभी 20 गोडाउन के शटर को तोड़ा गया क्योंकि सभी गोडाउन के शटर लॉक थे। ये आग किन कारणों से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। हम लोगों को 1:35 पे पड़गा पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि वाहुली विलेज है, वहाँ आंगर लगी है गोडाउन में। वह गोडाउन हम लोगों ने आके देखा तो ये जितने भी गोडाउन होते यहाँ हम आके देखा तो पूरा गोडाउन में आंगर लगे, पूरा लॉक थे, लॉक एक भी खुला नहीं था। यहाँ हम लोगों ने गोडाउन को तोड़ दिया, वो बहुत से भाग गया, आग बुझाने का कार्य किया। गोदाम तो ये तो 15 से 20 गोदाम है, यहाँ से ये सामने है और पीछे भी इसके गोडाउन से वो पूरा नली पुट्ठा। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? तो पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ, एक एक घंटे में एक एक टैंकर आ रहा है। टैंकर पानी होता तो जल्दी कवर हो जाते, अभी तो 4-5 घंटे तो और जाएंगे पानी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।